brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जो चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए तो एनडीए गठबंधन के साथ, और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इंडिया एलायंस के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला पर टिक गई हैं। श्रीकला पूरे दमखम से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। बसपा कैंडिडेट श्रीकला कोई कोर कसर अपने प्रचार में छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा आकर खड़े हो गए। दरअसल जौनपुर में रविवार को इंडिया अलायंस के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के काफिले ने जौनपुर में जोरदार एंट्री मारी। उनके काफिले में लगभग सैकड़ों गाड़ियां शामिल रहीं। बाबू सिंह कुशवाहा ने जौनपुर के एक होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आप एक काफिले की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी तैयारी बाबू सिंह कुशवाहा ने भी पूरी कर रखी है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। जो लोग चाहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए वो लोग एनडीए के साथ हैं। जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं या संविधान में आस्था रखते हैं वो लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। वही पैराशूट कैंडिडेट होने पर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि लोगों को अमेठी जाकर देखना चाहिए, बनारस और लखनऊ जाकर देखना चाहिए, वहाँ भी यही सवाल करने चाहिए। ये चुनाव 2024 को 24 का संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का। चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए तो एनडीए गठबंधन के साथ, और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इंडिया एलायंस के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ। हम लोगों ने मिल करके फैसला लिया है कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और इंडिया एलायंस की सरकार को बनानी है। कहा जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो पैराशूट कैंडिडेट है, बाहर से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तुम? थोड़ा अमेठी चले जाके देख लीजिए, अमेठी भी थोड़ा चले जाइए, बनारस भी थोड़ा चले जाइए, लखनऊ भी थोड़ा चले जाइए, वहाँ भी जाके हम सवाल कर लीजिए। जौनपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जौनपुर की जनता के लिए मेरा यही सवाल निवेदन है, मेरा अपील है मेरी कि अगर हमें अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करनी है, महंगाई से हमें निजात दिलाना है, अगर हम चाहते हैं किसानों को खाद बीज सस्ते मिले, उनके कर्जे माफ हो, उनके फसल की सही कीमत मिले, पुरानी पेंशन बहाल हुए, और ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करके पुरानी जो सेना के घंटे के सिस्टम अगर हम वो चाहते हैं तो आप सब लोगों की हमें मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना होगा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में दिखा करके। आपके सामने दो उम्मीदवार हैं, भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है, यहाँ से बसपा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला पर दाव खेला है, कैसे देख रहे हैं अन्य दो कैंडिडेट को बाबू सिंह कुशवाहा? यहाँ पर कैंडिडेट दो हूँ या और बहुत हूँ, कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनके पार्टियों का रिकॉर्ड भी होगा उनके साथ में, पार्टियों का रिकॉर्ड कहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसान की आमदनी तो आधी हो गई, खाद की बोरी जो 50 किलो की थी यूरिया की 45 की हुई, अब 40 की हो गई, कीमत और बढ़ गई, बेरोजगारी इतना कभी नहीं बढ़ी जितना इन 10 सालों में बढ़ गई, तो जो कैंडिडेट हैं जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का इतिहास भी तो देखेंगे, सरकार भी तो देखेंगे कि कैसी चलाई है, तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर के लोग भेजेंगे उन्हें आशीर्वाद। तो श्रीकला धनंजय सिंह के काफिले का जोर शोर देखकर बाबू सिंह कुशवाहा ने भी मन बना लिया है कि वो अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और श्रीकला सिंह के लिए बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज के साथ राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।